तो है नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारा आपके चैनल पेट मिक्स में। ऐसा करता हूँ आप और आपके पेट्स हेल्दी होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले 10 बेनिफिट्स ऑफ गोल्डन रिट्रीवर के बारे में। तो दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। अगर आपके पास गोल्डन रिट्रीवर है या फिर आप लाने के सोच रहे हो तो 10 बेनिफिट के बारे में जानना जरूरी है। और दोस्तों मैंने 10 प्रॉब्लम के बारे में भी वीडियो बनाई है, अगर आपको वीडियो देखनी है तो ऊपर आई बटन में आप देख सकते हैं या फिर वीडियो के एंड में भी आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों ऐसे वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। और दोस्तों ये वीडियो को 700 लाइक जरूर से कंप्लीट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आजकल जो गोल्डन रिट्रीवर डॉग ब्रीड काफ़ी फेमस होते जा रहे हैं और बहुत सारे लोग इन्हें एडॉप्ट भी करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये फैमिली के लिए काफ़ी अच्छे डॉग ब्रीड है। तो दोस्तों हमारा जो पहला बेनिफिट इसी के ऊपर है कि अगर आपकी एक शॉर्ट फैमिली है या फिर आपकी बड़ी फैमिली है तो दोस्तों अगर आप एक डॉग लेना चाहते हैं तो दोस्तों गोल्डन रिट्रीवर काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि वो सारी छोटी फैमिली हो या बड़ी फैमिली उनके साथ अच्छे से घुल मिल जाता है और दोस्तों काफ़ी अच्छे से सब मेम्बर के साथ भी काफ़ी अच्छे से रहता है और दोस्तों किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करता, सबको अपना काम करने देता है। तो दोस्तों अगर आप एक ऐसा डॉग ढूंढ रहे जो आपको डिस्टर्ब ना करे और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट भी करे तो दोस्तों गोल्डन रिट्रीवर काफ़ी अच्छा डॉग ब्रीड है। तो दोस्तों जो हमारा सेकंड पॉइंट है दोस्तों इनकी हाइट और बॉडी, दोस्तों ये मीडियम साइज़ के डॉग ब्रीड होते हैं दोस्तों, इसके कारण आपके साथ अच्छे से घुल मिल जाते हैं और दोस्तों इनकी जो साइज़ होती है थोड़ी मीडियम साइज़ की होती है, इसलिए दोस्तों आसानी से आपके साथ भी ये रह सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा बेनिफिट आपके लिए होता है, क्योंकि कोई कोई डॉग जो है उनकी हाइट बॉडी ज़्यादा बड़ी होती है तो दोस्तों आपके साथ रहने में कंफर्टेबल नहीं होता, थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम आ सकती है, फिर कभी कभार आपको भी प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों ऐसे में ये अगर आप गोल्डन रिट्रीवर लेते दोस्तों इनके साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि मीडियम साइज़ के डॉग ब्रीड होते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है आपके लिए और डॉग के लिए भी। तो दोस्तों जो हमारा तीसरा बेनिफिट है वो है कि दोस्तों अगर आपके घर में एक से ज़्यादा डॉग है तो भी दोस्तों गोल्डन रिट्रीवर काफ़ी अच्छे से उनके साथ रह सकते हैं, और आपके घर में बेबीज वगैरह हो तो भी दोस्तों ये काफ़ी अच्छे से उनके साथ रहते हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे है तो दोस्तों आप एक डॉग लाने के सोच रहे तो गोल्डन रिट्रीवर काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये फ्रेंडली डॉग होते हैं और बेबीज़ के साथ है या फिर आपके पास एक्स्ट्रा डॉग है तो अगर आप वो दो डॉग लेना चाहते हैं तो दोस्तों काफ़ी अच्छा रहेगा गोल्डन रिट्रीवर आप रखेंगे तो, क्योंकि वो उनके साथ अच्छे से रहते भी है और वो दोस्तों जल्दी से घुल मिल जाते हैं, इसलिए काफ़ी अच्छे फ्रेंडली नेचर के डॉग होते हैं। और दोस्तों जो हमारा चौथा बेनिफिट है दोस्तों ये डॉग ब्रीड काफ़ी इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड होते हैं और दोस्तों आपके घर के छोटे मोटे काम ही आसानी से कर सकते हैं, अगर आप इन्हें अच्छे से ट्रेन करते हो और दोस्तों सिखा देते हो प्रॉपरली दोस्तों, तो दोस्तों ये जल्दी से सीख भी जाते हैं और नए नए काम भी इन्हें सीखना काफ़ी अच्छा लगता है। और दोस्तों ये कभी भी ट्रेनिंग के लिए ना नहीं बोलेंगे, यानी कभी ऐसा नहीं करेंगे कि अगर आप ट्रेन दे रहे हो ये ध्यान नहीं देंगे। अगर आप कुछ इन्हें नया सिखाते तो जल्दी से उनमें रुचि भी लेते और जल्दी से जल्दी वो काम को सीख भी लेते, क्योंकि घर के छोटे मोटे काम कभी कभार बाहर से थैली वगैरह लाना, कपड़े लाना, पानी की बोतल फ्रिज में से निकालना, ऐसे बहुत सारे काम ये आसानी से कर सकते हैं। और दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट बेनिफिट्स है दोस्तों स्मार्टनेस के साथ अच्छा दिखना भी ज़रूरी है, और दोस्तों गोल्डन रिट्रीवर दिखने में के मामले में काफ़ी अच्छे होते हैं, क्योंकि इनके लॉन्ग हेयर होते हैं और दोस्तों अगर आप इन्हें अच्छे से कंडीशनर लगाते हो, अच्छे से शैम्पू देते हो और इनके बालों की अच्छे से केयर करते हो दोस्तों ये दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। और दोस्तों इनके बाल बड़े होने के कारण दोस्तों इनके जो दिखना है काफ़ी अच्छा लगता है और अट्रैक्टिव लगता है, जिसके कारण अगर कोई नया पर्सन भी आपके घर में आता है तो ये बोले बिना नहीं रहता कि काफ़ी अच्छा डॉग ब्रीड है आपका, कहाँ से लिया आपने, एक बार ज़रूर बोलेगा, क्योंकि दिखने में भी काफ़ी अच्छा ये डॉग ब्रीड लगता है। तो फ्रेंड जो नेक्स्ट बेनिफिट्स है कि हमारा दोस्तों अगर आपका घर जो है 2 BHK का या 3 BHK का हो और अगर आप एक अच्छा डॉग लाने की देख रहे हो तो दोस्तों गोल्डन रिट्रीवर काफ़ी अच्छा डॉग ब्रीड आपके लिए रहेगा। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, इन्हें डेली वॉक के लिए ज़रूर ले जाए, एक्सरसाइज इनकी ज़रूर कराए, ताकि दोस्तों अगर आपका घर छोटा हो तो भी दोस्तों इनको कुछ प्रॉब्लम ना हो। और दोस्तों जो नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें तो दोस्तों अगर क्या होता है कि अगर आपका बजट थोड़ा सा कम होता है, कभी कभार आप डॉग फूड एफोर्ड नहीं कर पाते बार बार डॉग के लिए, तो दोस्तों इनको आप घर का खाना भी दोस्तों दे सकते हैं, और घर के खाने में अगर आप डॉग फूड डाल के भी दे रहे हैं तो दोस्तों इनकी बॉडी और हेल्थ काफ़ी अच्छे से ग्रो होती है। तो दोस्तों आप ऐसा करें तो दोस्तों आपके जो है मनी भी सेव हो जाएगी, मनी ज़्यादा खर्च भी नहीं होगा दोस्तों आपके पैसे, और साथ साथ में दोस्तों इसकी हेल्थ भी काफ़ी अच्छे से रहेगी। और दोस्तों अगर घर का खाना आप देते दोस्तों ज़्यादा करके कभी कभार आपके पास बजट वगैरह नहीं होता, पैसे वगैरह नहीं होते, तो दोस्तों घर का खाना भी आसानी से खा लेते हैं, तो दोस्तों आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती और डॉग को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती।
तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट बेनिफिट है, अगर आप एक घर में गार्ड डॉग के लाने की सोच रहे हैं या फिर कोई गार्ड डॉग आपको चाहिए, तो दोस्तों अगर आप गोल्डन रिट्रीवर को पहले से सिखा देते हो कि कोई अनदर पर्सन आए तो दोस्तों आपको भोंक के अलर्ट करे, तो दोस्तों अगर आप ऐसे उसको सिखा देते हो बचपन से, तो दोस्तों ये अच्छा गार्ड डॉग भी बन सकता है, क्योंकि डॉग ब्रीड जो है ऑलराउंडर डॉग ब्रीड है और काफ़ी अच्छे और सारे काम दोस्तों अच्छे से कर पाती है। इसलिए अगर आप इन्हें अच्छे से सिखा देते हो तो दोस्तों ये गार्ड डॉग का काम भी आसानी से कर सकता है। और दोस्तों बात करें हम 9th बेनिफिट की, तो दोस्तों इन डॉग को जल्दी से कोई बीमारी या फिर डिजीज भी नहीं होती, दोस्तों जल्दी से बीमार भी नहीं पड़ते, क्योंकि बहुत सारे डॉग होते हैं जल्दी से बीमार पड़ जाते हैं, बार बार उनको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है, उसके कारण डॉग की जो हेल्थ भी कमज़ोर हो जाती है और आपका पैसा भी दोस्तों चला जाता है, और दोस्तों डॉग जो है हैरान होता है अलग, बट दोस्तों गोल्डन रिट्रीवर अगर आप लेते तो दोस्तों जल्दी से वो बीमार भी नहीं पड़ते, काफ़ी हेल्दी डॉग ब्रीड होते हैं और बार बार उनको डॉक्टर के पास ले भी जाना नहीं पड़ता। और दोस्तों हमने जो है जर्मन शेफर्ड के बारे में भी, उनके 10 बेनिफिट्स के बारे में वीडियो बनाई है, और लैब्राडोर के बारे में भी 10 बेनिफिट्स के बारे में जो है वीडियो बनाई, आप आई बटन में जाके वो वीडियो देख सकते हैं या फिर वीडियो के एंड में भी दोस्तों आपको वीडियो देखने को मिलेगी। और दोस्तों जो हमारा 10वां और लास्ट बेनिफिट है, दोस्तों इन डॉग को डिसिप्लिन में रहना काफ़ी अच्छा लगता है, दोस्तों ये जल्दी से दोस्तों आपके घर में इधर उधर दोस्तों मस्ती करके दोस्तों यहाँ वहाँ तोड़ फोड़ भी नहीं करेंगे, एक डिसिप्लिन में रहेंगे दोस्तों, आप जहाँ पे उनको खाना देते वहीं ये खाएंगे, और दोस्तों आपको ज़्यादा ही कुछ हैरान या परेशान भी नहीं करेंगे, अगर आप कुछ वर्क करते हो या फिर कुछ काम करते हो दोस्तों ऐसे में आपको ये डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ दोस्तों आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों हमारे बहुत सारे वीडियो जो आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे तो दोस्तों आप हमारे चैनल के अंदर जाके विजिट करके एक बार देख सकते हैं, आपको ज़रूर से बहुत सारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करना, तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।